गुड मॉर्निंग क्लास लास्ट क्लास में हमने पार्ट पाँच के प्रश्न उत्तर किए थे आज हम इसके वाक्य बनाओ करेंगे फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट पार्ट पाँच हम एक हैं वाक्य बनाओ पहला हमारा वर्ड है हमारा पहला शब्द है जंगल शेर जंगल का राजा होता है अब इसमें जंगल क्या है हमारा जो हमने वर्ड लिया था वो जंगल को हम अंडरलाइन कर देंगे आप कुछ और सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको कोई और सेंटेंस आता है तो आप कुछ और भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से वृक्ष वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं वृक्ष क्या होते हैं पेड़ पेड़ हमें क्या देते हैं ठंडी छाया देते हैं ना तो हमने क्या सेंटेंस बनाया था वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं आप ये बना सकते हो वृक्ष हमें पत्तियाँ देते हैं वृक्ष हमें फल देते हैं फूल देते हैं कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो मर्जी से थर्ड है फल फल से सेंटेंस आपको खुद बनाना है फल मतलब फ्रूट्स मनुष्य मनुष्य मतलब आदमी जैसे हम लोग हैं ना मनुष्य हैं हम सब आदमी और हम सब क्या है मनुष्य हैं प्यास प्यास क्या होता है प्यास तो आपको लगता है ना प्यास आप थ्रस्ट हो जाते हो क्लास में ये वो प्यास है अब इन तीनों से आपको सेंटेंसेस खुद बनाने हैं और अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो बट कोशिश करना कि आप सेंटेंस खुद बनाएं और बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है जब आप ये सेंटेंसेस बनाएंगे वाक्य बनाएंगे तो वाक्य आपका अर्थपूर्ण होना चाहिए कोई बच्चा ऐसा वाक्य नहीं बनाएगा जिसकी कोई मीनिंग ना निकलती हो लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने ऐसा किया था मीनिंगस वाक्य बनाए थे सारे इनका कोई अर्थ ही नहीं था तो कोशिश करें कि वाक्य अर्थ वाले हों और जो आपका ये वर्ड है इसको आप अंडरलाइन करें जैसे वृक्ष था ना इसमें तो वृक्ष हमारा मेन वर्ड था तो मैंने वृक्ष को अंडरलाइन किया इधर जंगल था तो जंगल को अंडरलाइन किया आप भी ऐसे अंडरलाइन करें और क्रेन का यूज़ करें स्केच पेन यूज़ ना करें ठीक है सेंटेंस कोशिश करें कि आप खुद ही बनाएं ओके क्लास और चैप्टर की रीडिंग करनी है क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने हैं शब्दार्थ रिवाइज करने हैं कठिन शब्द पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है साथ साथ जिससे आपके यूटी टी हों या एग्जाम्स हों तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए